प्रदेश में इस साल का मॉनसून जुलाई से ही अपने रंग में है और अगस्त के आखिरी दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश ने पूरे प्रदेश को भिगो दिया है और अगस्त का महीना लगभग पूरा बारिश में ही गुजरा है। मॉनसून का यह दोबारा सक्रिय होना एक बड़ी वजह है, जिसके चलते प्रदेश में अभी भी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल 22 अगस्त को भी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश देखने को मिली। लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर जैसे जिलों में बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। वहीं जहां बारिश नहीं हुई, वहां का मौसम भी सुहाना बना रहा। लोग ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद बारिश की बूंदें भी गिरने लगी। मौसम विभाग ने अब उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी जानकारी जारी की है। IMD के अनुसार प्रदेश में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले कुछ दिन यानी 26 से 27 अगस्त तक भी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना बनी हुई है। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक कई जिलों में बारिश का जोर रहेगा। इनमें से कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जिससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। बाढ़ की स्थिति पर नजर डालें तो लगातार हो रही बारिश से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी है और नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ललितपुर, झांसी, महोबा, गाजीपुर, बलिया जैसे जिलों में स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। बाढ़ के चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है और लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के अनुसार आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर, पीलीभीत, ललितपुर, झांसी, महोबा, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, संतरविदास नगर, कौशाम्बी, मिर्जापुर, चित्रकूट और बांदा जिलों में बारिश की संभावना है। इन जिलों में कहीं भारी तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस बारिश के साथ साथ बाढ़ का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। बाढ़ से बचाव के उपायों पर तेजी से काम किया जा रहा है, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी उत्तर प्रदेश के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बारिश और बाढ़ के इस दौर में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है और प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अगले कुछ दिनों में बारिश का यह सिलसिला और भी तेज हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मॉनसून के यह तेवर जल्दी थमने वाले नहीं है और प्रदेश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम का यह खेल जारी रहेगा। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।